संविधान निर्माता हम सबको जागृति देने वाले ऐसे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। साथ साथ हमारे जितने महापुरुष रहे उन सब को नमन करते हुए विशेष रूप से मैं आरपी सिंह जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा, जिनकी हिम्मत, जिनका साहस, जो इनके नजदीक होगा व्यक्ति वो समझ सकता है, जान सकता है। बार 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 तोड़ने की कोशिश, नीचा दिखाने की कोशिश, लेकिन मैंने इन जैसा शख्स जो अपने विचार पर, जो अपनी सोच पर लगातार सब चीजें सहन करता हुआ आज भी कायम है, मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जोरदार तालियों से, एक बार जोरदार तालियों से आरपी सिंह जी को धन्यवाद करिए। हम लोग जिन्हें अक्सर टीवी पर, राज्यसभा के पटल पर कभी पैदल यात्रा करते हुए, कभी हिंडन को साफ करते हुए और कभी उस तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर हिम्मत से जनता की आवाज को बुलंद करते हुए लगातार निरंतर देखते हैं, ऐसे संजय सिंह जी आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वाम से पिछड़े दलितों की आवाज वामन मेश्राम जी, जो देश और विदेश में समाज की लड़ाई लड़ते रहे, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते रहे, मैं उनको भी इस मंच पर धन्यवाद करूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगातार अलग अलग सूरत में, अलग अलग शक्ल में इस बहुजन आंदोलन को धार देने वाले मैं रतनलाल जी को भी धन्यवाद करूंगा और मंच पर अपने जितने भी उपस्थित लोग हैं मैं सबका सम्मान करते हुए, और जो सामने दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं जिनकी संख्या इस समय मौके पर कम लग सकती है, लेकिन अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि हरियाणा के लोग हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं और बहुत सारे मौजूद लोग यहां पर बैठे हैं। हम कई बार जब आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बारे में सोचते हैं तो आदरणीय संजय सिंह जी लगभग पिछले 15-17 सालों से लगातार हर मोर्चे पर, हर जगह पर इस आरक्षण समिति ने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई जैसे कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी लड़ रहे थे, अब भाजपा की सरकार है तब भी लड़ रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? मंच पर आसीन वामन मेश्राम जी, जिनको हम लोग अक्सर आरक्षण के सवाल पर समाज में मौजूद कुरीतियों के खिलाफ मजबूती से बोलते हुए सुनते हैं, और जब ये बोलते हैं इनका वीडियो हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचता है और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके भी इनकी बात लोग सुनते हैं। आज पहली बार माननीय विधायक
अतुल प्रधान जी को सुनने का मौका मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को देश के सदन में जाना चाहिए जो कम से कम मजबूती से अपनी बात कह सकें, जरूरत पड़े तो लड़ सकें। और आज का तो समय ऐसा आ गया है हाथापाई की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां मजबूत लोगों का जाना बहुत जरूरी है। आरसी वाल्मीकि जी, राष्ट्रीय संयोजक एबीएसएस, लालमणि प्रसाद जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री, उषा सिंह जी अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलपी, प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर रतनलाल जी के मामले में न्यायालय ने एक ऐसा फैसला पिछले दिनों दिया है जो मील का पत्थर साबित होगा और वो सबके लिए एक उदाहरण बनेगा। साथियों और दोस्तों, सदन में जब भी मौका लगा आरक्षण की वकालत करने का या देश के किसी हिस्से में दलितों पे, पिछड़ों पे कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जब भी देश के सदन में मौका लगा आपके इस छोटे भाई ने मजबूती से आपकी आवाज को वहां पर उठाने का काम किया। और मुझे अच्छा लगा, मैं छिंदवाड़ा गया था, उसके पहले सदन में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात का बिल आया था, उसका मैंने विरोध किया था। तो जब मैं गया वहां पर तो तमाम सवर्ण संस्थाओं ने मेरा विरोध किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, शीशे तोड़ दिए। और जब मैं वहां पर पहुंचा गेस्ट हाउस में तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप क्षत्रिय समाज के होके आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण रहने दो, 10% उनका क्यों कम कर रहे हो? कहने नहीं, कम थोड़ी हो रहा है। दलील क्या दी गई कि आपका आरक्षण तो कम हो ही नहीं रहा, 10% ये तो अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए 50% जो आरक्षण बचता है, जो गैर आरक्षित सीटें होती हैं, उसमें भी तो बहुत सारे लोग, पिछड़े और दलित समाज के लोग वहां पर सीटें पाते हैं, उनमें से 10% कम हुआ तो आपका कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ आपका? जब मैंने ये बात बोल दी तो बुरा लग गया लोगों को। तो मेरा यह कहना है कि इस बात की चिंता किए बगैर कि आपका समाज खुश होगा नाराज होगा, हिम्मत से मैंने हमेशा सही बात करने का संकल्प लिया और जीवन भर वही बात करूंगा जो सच है। और सच ये है